वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर एपिसोड नंबर 16। जो एपिसोड कल का गया है भाई, वो तो मन ही नहीं कर रहा। जितना मन तो लाइव फिट देखने में मन कर रहा था, जो टास्क चालू था लाइव फिट में, खुफिया टास्क, खुफिया एस्केप टास्क, तो वो टास्क ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इंस्टेड वो लाइव देख। लाइव मैंने तो मैंने एपिसोड में देखा नहीं, एपिसोड ने बाद में आज सुबह जाके एपिसोड देखा, अभी उठ के ही मैंने एपिसोड देख के भी आप लोग रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मन ही नहीं था एपिसोड देखने का। पता था फैमिली टास्क भी के जितना वो बोरिंग वो लाइव में चल रहा था, तो एपिसोड में कितना बोरिंग रहेगा मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे मैंने आज सुबह सुबह देखा, मैं और बोर हो गया, मेरे अंदर और सुस्ती आने लग गई है, क्योंकि इतनी बोरिंग थी एपिसोड, कुछ है नहीं। एपिसोड में से तीन ही इम्पोर्टेंट थिंग है, वही आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मॉर्निंग में पागल जो बच्ची, छोटी सी बच्ची, जो चीज़ वो करते आ रही है ना, वही दोबारा करते आ रही है। चीज़ें छुपाना, चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ये करना, वो आज सुबह भी किया जस्ट फुटेज पाने के लिए। कैन इमेजिन, ऐसे भी नहीं कि उससे कुछ परेशान किया आपको, इसी आपने जाके उसको कुछ किया, आप वही कर रहे हैं कि आपको फुटेज चाहिए, तो आपने वही अंजलि का मेकअप को डिस्ट्रॉय किया। इसमें अंजलि रिएक्ट करना चाहती थी, नहीं करना चाहती पता नहीं, बट मुनव्वर ने बहुत अच्छा बात बोला मुनव्वर फ्रेंड से कि रिएक्ट मत करो इस चीज़ के ऊपर, उसकी खुद का बेइज्जती हो जाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने किया, और जो सामान खुद का ही फूट के ला के डाला, उसमें आजमा की इतनी सुलह गई कि आजमा खुद इतना ये हो गया कि भाई मेरे को फुटेज देंगे तो देंगे कैसे, अभी आजमा को फुटेज देने से ना रहे लोग, और अगला नंबर आजमा का निकलने का ज़रूरी है। और उसके बाद हमने देखा फैमिली टास्क कुछ मज़ा नहीं आया एकदम था। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, जैसे कि अंजलि और उसकी मम्मी का मिलना, इमोशनल सीन्स बहुत रोई अंजलि, तो वो बहुत ही इमोशनल वाला सीन था, इंटरेस्टिंग था। फिर एक इंटरेस्टिंग है आजमा का, जब पेरेंट्स आते तो उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी तो एकदम कॉमेडी फ्लेवर लेके आई थी, एकदम कॉमेडी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं साकर शिविर में बहुत कुछ बोल जा रही थी, वो अच्छी बात नहीं थी, बहुत कुछ बोल रही थी वो, बोला बहुत अनयूजुअल थिंग बोल रही थी। तुम कॉमेडी करो ठीक अलग बात है, लेकिन सही में बोलता जैसी माँ वैसी बेटी, मैं नहीं बोलूँगा जैसी बेटी वैसी माँ, ये वैसी है कि जैसी माँ वैसी ही बेटी है, सिंपल थिंग। और आप माँ हो के अपने बेटी को ऐसा कैसे प्रोसेस कर सकते हो कि तुम सही जा रहे हो, तुम्हें जो कर रही हो सही है, तुम ऐसे ही करो, नहीं ये गलत है। क्योंकि देखो ये आज कर रही है ना शो के अंदर, कल क्या करेगी जब शो के बाहर रहेगी, दो चार फोटो वोटो मीडिया वीडिया लोग आपको फोटो खिंचाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, कोई शो में आपको लेंगे, चलो रियलिटी शो में कोई भी टुक्का बुक्का वाला रियलिटी शो में आपको ले लेंगे कंटेंट के लिए, हाँ फिर क्या लाइव की तरह एक एज आने पर तो वो भी चला जाता है, रियलिटी शो में यंग फेसेस ज़्यादा चाहिए, वो भी तुम्हारा चला जाएगा, फिर क्या कहाँ पे आपको लेंगे भाई, इज्जत पानी इज्जत मिलना चाहिए वो चीज़। फैंस कमाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आजमा पड़ा वो सीखना पड़ा। आजमा पड़ा ने मुझे नहीं लगता कि कोई फैंस जीते, वोट मिल रहे, सपोर्ट मिल रहे, बस जो लॉकअप का जो एक फंडा है कि आप इसको वोट कर दो, इसको भी वोट कर सकते हो, इसको भी वोट कर सकते हो, इसको भी सबको वोट कर सकते हो, टेंशन नहीं, ये लॉकअप का एक फंडा है। तो वैसे जो मुनव्वर के फैंस है वो आजमा को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पाइल का फैंस है वो भी आजमा को क्लिक कर रहे, तो जितने लोग तो आजमा को क्लिक करो वही उसको वोट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आजमा का कोई इंडिविजुअल कोई फैन फॉलोइंग होता, जो पायल के फैंस है ना, जो पायल को सपोर्ट करना वही आजमा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आजमा आजमा चला चला के चला। मुझे नहीं लगता आजमा का कोई ऐसा कोई फैन बेस है, आगे जाके वो क्या जिंदगी में लाइफ में करने वाली है पता नहीं, उसे कहाँ काम मिलने वाला पता नहीं, क्योंकि इस अगर ये एटीट्यूड से आप रहोगे तो आपको कहीं पे भी काम नहीं मिलने वाला है, कोई इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिलने वाला है, ऐसे ऐसे कोई छोटे मोटे रियलिटी शोज में। ये लॉकअप में तो आपको बड़े रियलिटी शो में एक मौका मिला, इसके बाद आपको छोटे मोटे में ही मिलेगा, कोई बड़ा शो में नहीं मिलेगा, ये 100% आपको ना ही कोई बिग बॉस बनाने वाला है, बिग बॉस बुलाएगा तो वो भी
वाइल्ड कार्ड में एंट्री में बुलाया तो बुलाया, कंटेंट के लिए वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्टेंट के लिए बुलाएंगे आपको कब कब बस छोड़ देंगे खुले भैंस की तरह, आप वही हरकत करोगे, आपकी गंदगी दिखाओगे, लोग आपको हेट करेंगे, कब तक करोगे ऐसा बात। राकेश सावंत भी बिग बॉस 14 में आके थोड़ा अच्छा दिखा तो सब पसंद किए, बिग बॉस 15 में आके क्या हो गया, सबने बार राकेश सावंत को दखल भगा दिया, उतार दिया दिल से, ये तो वही करते हैं, वही होता है। एक टाइम अच्छा लगता है, वन टाइम वॉचेबल, फिर नहीं जमता है। उसकी माँ इस फिल्म में बेस्ट था कि शिवम का डायट, शिवम का डायट सुपर था, जबरदस्त था, मजा आया देख के उसको भी। फिर मुनावर का फ्रेंड आया, मुनावर का फ्रेंड भी जबरदस्त था, सदाकत थे वो भी जबरदस्त, एकदम फुल एनर्जी लेके आया था, जो बोलता कर लेंगे कर लेंगे अरे कर लेंगे कर लेंगे, जो बोलता ना वो एकदम डालो अच्छा आगा, बाकी सब कुछ अच्छा था। और पूनम का भी मम्मी आई, वो भी बहुत इमोशनल वाला सीन था। प्रिंस का भांजा आया और पायल का संग्राम आया और शायशा का चिराग आया, जैसे ही इनके फैमिली मेम्बर्स आए, इंटरेस्टिंग तो था, देखने लायक इंटरेस्टिंग था, बट एपिसोड गंदा काटा। इनफैक्ट लाइव में जो बताना, लाइव में इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा अच्छा बताया, इसमें बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं बताया, जितना बताया सब टॉन्ट मारना बताया, इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट कुछ नहीं बताया। तो मुझे इतना जवानी फैमिली डांस फैमिली वीक, इनफैक्ट बिग बॉस में जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट एंड क्लिप्स रहना बेटर है रादर देन लंबा खींचना, तो बिग बॉस में जो दिखा था शॉर्ट एंड क्लिप्स वही बेटर है, जितना दिखा जितना बोलना उतना बोलो निकलो, ये इसलिए पकाना ज़्यादा ही होगा था। फिर हमने देखा कि हाँ एक और पायल का संग्राम जो है ना वो एकदम जबरदस्त है, अच्छा है, रेस्लर है, इंडियन रेस्लर है, लेकिन बात वही हो जाती है मुखौटा पहन के आया था कि क्या हम जानते हैं संग्राम क्या करता है भारतीय दुनिया में, भारतीय दुनिया में भी वो अगर पर्सन देखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारा उसका दिमाग जो चलता ना तो पायल के जैसे ही चलता है। फिर हमने देखा कि जो फैमिली मेम्बर आया, लोग एक एक का नाम लेना था जिसको लॉकिंग करना है, तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जैसे कि शिवम का डैड, आजमा की मॉम और पूनम की बहन, और जो वॉइस मैसेज में इन लोग अंजलि का नाम ले लेते हैं, और साथ में मुनावर का सजाकत वो भी अंजलि का नाम लेते हैं, तो अंजलि का नाम लोग ज़्यादा लॉकिंग में रखते हैं, तो इसलिए अंजलि लॉक इन हो जाती है, और यहाँ पे आजमा और अंजलि दोनों लॉक इन हो जाते हैं, तो ये दोनों को कोई नहीं बचा सकता है ऐसे जनता। और आज का जो एपिसोड आएगा उसमें भी एक जन लॉक इन हो जाएगा, एक ने मुझे कहा ज़्यादा लोग लॉक इन हो जाएंगे, तो पूनम तो सामने सामने मिल जाएगा, पूनम लॉक इन हो गई थी, और मुनव्वर चार्ज से एस्केप हो गया, तो सेकेंड फाइनलिस्ट बन चुका है मुनव्वर। यही है एपिसोड और रिव्यू, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पता नहीं जितना फिनाले नजदीक आ रहा वो दिन बोरिंग होते जा रहा है कसम से, वो इंटरेस्टिंग चला जा रहा है। तो मिलते कोई और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़रूर मैं आप लोगों को और भी कोई अपडेट रहेगा वो आप लोग को लाते रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।